एक गेम और साथ खेलेंगे, वो है स्केच बनाना। उसके दो पॉइंट्स हैं। यहां से हुसैन बनाएंगे जिसका भी स्केच बनाना चाहे आप बना सकते हैं, और यहाँ से बिलाल बनाएंगे जिसका भी स्केच बनाना चाहे आप बना सकते हैं। देख देख के हम चूज नहीं कर सकते, हम चूज नहीं कर सकते। अच्छा एक मिनट, बिलाल हुसैन का स्केच बनाएंगे और हुसैन बिलाल का स्केच बनाएंगे। आ जाए जल्दी से, आ जाए आ जाए, आप वहां जाएंगे, वहां जाएंगे आप, वहां जाएंगे आप, उस तरफ जाएंगे। बिलाल बिलाल आप यहाँ पर आओगे, जल्दी आओ, जल्दी जल्दी हुसैन आप वहां जाओगे, हुसैन आप वहां जाओगे, ताकि बिलाल को वहां से देखते रहो ना आप। नहीं एक मिनट, तुम बिलाल को देखोगे कैसे? इसके लिए तो सामने देखना जरूरी। चलो देखा हुआ है, देख देखा हुआ है और बना दो। आपने हुसैन को बनाना है, आपने बिलाल का बनाना है स्केच। चलिए जी, और ये दो पॉइंट्स का जो गेम था, अब देखते हैं कि इन लोगों ने क्या करिश्मा बनाया है। आ जाओ भाई जल्दी से अपने स्केचेस लेकर आइए। पहले बिलाल अपना स्केच लेकर आएंगे और समझाएंगे, निकाल के लिए आइए, ब्रीफ करेंगे कि इन्होंने ये जो बनाया है इसमें ये क्या क्या बनाया है। क्या मुझे दे रहे हैं आप? हाँ आप पकड़िए जरा, बिलाल बताएंगे। बिलाल साहब आप यहाँ पर आइए और माइक लेकर आइएगा, माइक दीजिए बिलाल को। अच्छा जी, डिसाइड करेंगे आप लोग कि दोनों में से बेहतर किसने बनाया है। जी बिलाल, ये मैंने इसके बाल बनाए क्योंकि स्टाइल बनाता है, इसके पास और कोई स्टाइल होता नहीं है, ठीक है। ठंडी कॉमेडी करता है, हंसी आती नहीं है, 20 रुपये में सेल हो जाएगा तो मुझे पता है, ठीक है। खाली फोकट के भरम मरता है, कुछ नहीं, ऑल टिकटॉकर्स लव यू फिर भी, ठीक है। और कुकरुकू क्योंकि वो ये मुझे मुर्गी का अंडा लगता है, ठीक है। और सूखी हड्डी तो ये है ही, ठीक है। और बाकी इडियट भी है, और बाकी इसकी आँखें जो है ना वो अजीब सी हैं, और बाकी इसके दांत भी अजीब से हैं, पीले पीले दांत, देश में कलर नहीं किया, सॉरी। और दिल बना के क्या लिखा है तुमने? हाँ दिल बना के, क्योंकि ये जो है ना अजीब सा ही दिल होगा इसका, तो मुझे समझ नहीं आया था। बाकी देख सकते हैं हाथ आपके अजीब से हैं, बिल्कुल पतले पतले से हाथ, अभी बाल भी काले काले हैं, वैक्सिंग नहीं कराते लगता है ये। और बाकी इनकी गर्दन जो है वो बिल्कुल पतली सी है, लगता है कि दांतों के नीचे से निकल रही है। हाँ दांतों के नीचे से निकल लिए, तो ये अजीब से इंसान है, हाथ है इनके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ऑल टिकटॉकर्स लव यू फिर भी, सब कुछ बोल के ऑल टिकटॉकर्स वी लव यू। आगे आए हुसैन साहब, अब आपकी पूरी बारी, जल्दी से आए भाई। काशिफ साहब जरा डिटेल में बताइएगा हुसैन कि आपने ये जो बनाया है ये क्यों बनाया है, इसका बहुत आला। बिलाल आप बैठ जाओ, बिलाल आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। हाँ हुसैन, ये असल में बहुत मुश्किल से बनाया है क्योंकि आधे चार्ट पे आया नहीं, बाकी इंशाल्लाह अगले चार्ट पे मैं दिखाऊंगा। अच्छा जो इसके बाल हैं, अब इसको देख के लगता है बाल है या तिनके के वाली झाड़ू, मल्टीपल वर्स्ट है। आप कुछ नहीं बोलेंगे, आप कुछ नहीं बोलेंगे, हाँ बोलिए। अच्छा और ये जैसे कि आप पहली, तो भाई आपको देखिए मैंने लिखा हुआ अभी, ऐसे लोगों को बच्चों की पहुंच से दूर रखें प्लीज। तो अच्छा और ये देख रहे हैं जैसे नाक निकल लिए इनकी, दो दांत, और ये थूक जो है ना, ये हुसैन हुसैन यहाँ पर हो, ये तुम्हारा कैमरा मैन से बताओ, ये थूक है, ये तूबा को देखकर लाल टपक जाती है ना जब इसकी झपका है। अच्छा और ये जो इसकी इयररिंग्स आप देख रहे हैं भाई, आप बोलेंगे नहीं कुछ, ये आप इयररिंग्स देख रहे हैं तो ये मदिया तुम्हारी याद में तुम्हारी इयररिंग्स देख पहनता रहता हूँ। अच्छा और दूसरी बात, ये जब मेकअप रूम में होता है ना तो ये बोलता है मेरी लिपस्टिक कहाँ है यार, शैतान मुझसे ज्यादा प्यारी लग रही है, मुझे भी इयररिंग पहनाओ ना। अच्छा और ये हाथ में आप ये गोभी पकड़ा हुआ है, जैसे बोल रहा है जैसे मैं खुद गोभी जैसा हूँ वैसे मुझे सड़े हुए गोभी पसंद है। अच्छा सबसे अच्छी बात, ये इनका पेट है और यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने बलोच गुदगुदी करो ना। और उसके बाद भाई के दिल बहुत सारे हैं, पहले आ जाएं साइड वाले दिल पे, यहाँ तीन दिल हैं, एक स्कूल वाली वाला दोस्त, फिर मेरी काम वाली, फिर पड़ोसन, फिर जो अब साइड में दो दिल हैं ये हैं थोड़े अच्छे वाले, मधिया सबसे पहले मधिया है, उसके बाद आता है बलोच माय फेव, ओह माय गॉड। अच्छा और खाने की जगह भी दो है इनके पास ना, एक ये घर का खाना है टिंडे भिंडी, और ये मुफ्ते का खाना है बर्गर पिज्जा, ये अलग रखता है। अच्छा जब ये मेरा स्केच बना रहा था ना उसने बोला होगा कि भाई मुझे दिखाना भी है, तो आप जैसे देख रहे हैं ये पैंट में इन्होंने सुसु कर दिए, ये यहाँ से निकल गए, ओबे और ऊप्स, तो बस इतना सा है, बाकी आया ही नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ जितना हुआ वैसे। चलो जी टाइम अप, बहुत आला, डिसाइड करेगी मेरी टीम कि किसने ज्यादा बेहतर तरीके से डिफाइन किया है, किसने ज्यादा बेहतर स्केच बनाया। ओवर टू यू गाइस। जी अप्पी, हुसैन टिकटॉकर्स, जी टिकटॉकर्स बेहतरीन चैंपियंस 2-1 हुसैन टिकटॉकर्स, और 3-1 रियाज पटेल।
टिकटॉकर्स। 4-1 बिलाल को उड़ा के फेंका हुसैन ने। हाँ जी टिकटॉकर्स। और 5 वोट्स मिले हैं टिकटॉकर्स को, सिर्फ 1 वोट गया है चैंपियंस के साथ, लिए 2 पॉइंट्स मजीद जाएंगे टीम टिकटॉकर्स के साथ। आ जाओ हुसैन, पहुंच जाओ भाई। ये समा मौज का कारवां आज है, हम सफर है ले चला है कहां ये समा। बहुत आला जी। और वो बेचारे मेरे ख्याल से पानी पीने गए, उनको प्यास लग गई एकदम। नहीं, आंसू साफ करने, आंसू साफ करने लग गए। चले आते तो देखते हैं उसमें क्या होता है। पूरा 1 मिनट फिर से तुम लोगों के पास खामोश। दानिश भाई इसीलिए आप बोलते हैं इनको बोला करो, अभी थोड़ा सा बोल दिया, थोड़ा सा मजाक किए, लोग रोने लग जाते हैं। जब भी हम बोलते नहीं हैं सही, बस थोड़ा सा ख्याल रखते हैं बच्चों का इसलिए। ओके बिलाल चला गया। बिलाल की टीआरपी का मतलब है द रोटलू पांडा टीआरपी। दानिश भाई मुझे लगता है बिलाल का पेंट इतना बड़ा होगा 4-5 बंदे घुस घुस के उसको स्त्री मारते होंगे। और किसी ने कुछ कहना है हुसैन? नहीं मैं तो कुछ नहीं। हाँ जी कुछ कहना है आपने शाताज रवि का? बस बस आपने कुछ कहना है हरी? ये भी उठ के चले गए, रोना जाए ये भी उठ गए। देखा हो गई दोस्ती तुम लोगों की आज? नहीं नहीं आप लोग आज बहुत प्यारे लगे। नहीं नहीं बहुत बुरा होता है बिलाल। बिलाल आ गए जी, दी टीआरपी आ गई। बिलाल तुम्हारी टीआरपी का इन्होंने एक नाम रखा है। माइक के ऊपर बैठ गया, माइक के ऊपर बैठ गया ये आदमी। माइक अच्छा माइक नीचे रख दो तुम। बिलाल तुम्हारी टीआरपी का नाम रखा है। बिलाल बिलाल टीआरपी का मतलब है रोतलू पांडा। आपकी टीआरपी का मतलब है? रोना नहीं बिलाल, टिश्यू पेपर दूं आपको? नहीं रो नहीं रो। चलो टाइम अप गाइस, टाइम अप। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं दानिश तैमूर। बोल एंटरटेनमेंट की तमाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिएगा।